मुख्यमंत्री मौर्य जी ने कब्जा कर लिया था शास्त्री भवन में जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, कुर्सी पर बैठ गए, नाम लिखवा दिया, डीजीपी होम सेक्रेटरी और सबकी मीटिंग कर ली। और मीटिंग के बाद जब मुख्यमंत्री को पता लगा तो वो कुर्सी भी छीन ली और वो जो नाम लिखी हुई पट्टी थी उसको भी उठा करके डस्टबिन में फेंक दी। यही हैसियत है ये उप मुख्यमंत्री की। अगर एक बात गलत हो तो एक वोट मत देना मौर्य समाज के लोगों। अगर अपमान हुआ है तो एक एक वोट मौर्य समाज से मैं कहना चाहता हूं वोट डाल देना समाजवादी पार्टी पर। और फिर बहुत बार हो रही है भ्रष्टाचार पर, बेईमानी पर बहुत बात हो रही है। हम आप इन समझदार लोगों की समझ को नहीं समझ पाएंगे। अभी नोटबंदी के बहाने पूरे देश के गरीबों का पैसा बैंक में जमा करा दिया। ये जो बैंकें खाली पड़ी हुई थी, इन बैंकों में पैसा कोई लेने वाला नहीं था और बैंकों की भी हैसियत नहीं थी कि पैसा किसी को दे दे कारोबार खोल लिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया, नोटबंदी कर दी और नोटबंदी के बहाने एक एक गरीब का पैसा बैंक में जमा करा दिया। और जब बैंकों में पैसा जमा हो गया तो बताओ कौन पैसा लेकर के चला गया, आप जानते होंगे। ये बीजेपी के लोग कहते थे और मुझे याद है यहां पर प्रधानमंत्री जी आकर के कहे थे कि थाने अगर कोई चला रहा है तो वो यादव चला रहे हैं थाना। आज हम पूछना चाहते हैं कि कौन थाना चला रहा है, किसके नीचे पुलिस चल रही है, ये भी हमें बता दो। आज जो जाति की आधार पर बात करते थे कम से कम आज बताओ कि कौन सी जाति कहां पर बैठी है। आज हिसाब किताब क्यों नहीं देते हो। और फिर जो पैसा लेकर के चले गए, कोई भी पुलिस का अधिकारी होता था अगर उसके नाम पर यादव लिखा था तो कहते थे ये रिश्तेदार है, यही कहते थे रिश्तेदार है। हम भी पूछना चाहते हैं अगर यादव यादव रिश्तेदार है तो बताओ पैसे लेने वाला रिश्तेदार किसका है, जो विदेश चला गया वो भी रिश्तेदार किसका है। कम से कम ये तो हमें बता दो कौन है किसका रिश्तेदार। अगर यादव यादव का रिश्तेदार हो सकता है तो फिर बैंक का पैसा ले जाने वाला भी रिश्तेदार किसी का हो सकता है।